आई एम अंजलि, डॉक्टर अंजलि निगम. मिस्टर मिसेस गुप्ता का जो ये इनिशिएटिव है जोव कॉन्शियस फाउंडेशन, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये. हमारी जो लड़कियां हैं, जो यंग गर्ल्स एंड देयर मदर्स, तो हम सही एजुकेशन दे रहे हैं उनके राइट्स के बारे में, ये उनको कॉन्शियस कर रहे हैं. I came here to attend this amazing, amazing event, and it was an experience of a lifetime, I can say. Women had their stories to share with us. It made me emotional, it made me feel more empowered, and I really wish them luck. I really wish them growth and success in future. इतनी हिम्मत कहाँ से आई? बाकी लड़कियां चुपचाप चली गई, उन्होंने अंदर नहीं गई और उस रूल को ब्रेक करवाया, क्योंकि उनके खिलाफ कंप्लेंट गई और उन लड़कों को जो चेकिंग कर रहे थे या वहां पे एग्जामिनर थे, सबको पनिशमेंट भी मिली. Yeah, I am Sujja Varia from Bangalore, Infosys Limited. I work in the corporate sustainability team. But the only point which I want to make it here is the issues which a village woman or a metro woman facing are the same. There is no change in it. At the end of the day, all the women are vulnerable to various situations. सोचती हमारे आदमी हमारे ससुराल की बेइज्जती है, इसलिए वो आगे नहीं आती. आप लोगों ने भड़के सामना कराया, आगे आए, बहुत अच्छा लगा. मैं हूँ जतिन वशिष्ठ, मैं ट्रेनर हूँ जोव कॉन्शियस फाउंडेशन में, और आज हमने यहाँ मिलकर वुमेंस लीगल अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया. इस सेलिब्रेशन का मोटिव था कि गर्ल्स या वुमेन या औरतें, उनको अपने कानूनी अधिकारों के बारे में अच्छे से पता हो, क्योंकि औरतों का शोषण इसलिए होता है क्योंकि उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, पता नहीं. मेरा नाम शुभ्रा मेदीरत्ता है, प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की लीगल इंचार्ज हूँ. और आज मैं जो कॉन्शियस फाउंडेशन का प्रोग्राम अटेंड करने आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका प्रोग्राम. बहुत जो अवेयरनेस मैं देने आई थी, मैं ही अवेयर होके जा रही हूँ उनसे.